अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे पंजुम जमात के लिए उर्दू, और हमारी नज़म का नाम है गंगा, जिसके शायर है हफीज़ जालंधरी। अब आइए हम पहले शायर की सोने हयात पर कुछ रोशनी डालेंगे। पैदाइश 14 जनवरी सन 1900। अबुल असर हफीज जालंधरी जालंधर पंजाब में पैदा हुए। वो बचपन ही से शेर कहने लगे थे। इनकी सबसे मशहूर नज्म शाहनामा इस्लाम है। इसमें इस्लामी तारीख को बहुत तफसील से मंजूम किया गया है। हफीज़ जालंधरी ने मुख्तलिफ मौजूआत पर नज़में और गीत भी लिखे हैं। इनकी शायरी के मजमूए नगमा ज़ार और सोज़ो शाज़ मशहूर है। इनका इंतकाल लाहौर में हुआ। दरियाए गंगा की तारीफ में लिखी गई ये नज़्म बहुत मकबूल है, जिसमें इस दरिया से हिंदुस्तानियों की अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। नहायत सादा जुबान में कही गई इस नज़्म में रवानी बहुत है। देखा बच्चों आपने, इस नज़्म के जो शायर हैं वो किस तरह अपने अल्फाज में गंगा नदी की खूबियों को बयान कर रहे हैं। पहले मैं इस नज़म के मिसरे पढ़ूंगी। ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा, गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर, और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर, पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए, एक राह में बनाए 100 आबशार गंगा। है शानदार गंगा, है पुरबहार गंगा। देखिए बेटा, इस नज़म में शायर क्या बताना चाह रहे हैं? जो गंगोत्री है, गंगोत्री वो मुकाम है जहाँ से गंगा नदी निकलती है, और वहाँ से वो कैसे निकलती है? उछल उछल कर निकलती है, और उसके रास्ते में जो पहाड़ आते हैं वो उस पर से पहलू बदल बदल कर उतरती है ना बेटा। पत्थर बहाए तूने, और उसके रास्ते में जो भी पत्थर आते हैं वो अपने साथ साथ उनको भी बहा ले जाती है, और वो कहाँ से कूदती भी आती है? ऊंचाइयों से कूदती भी आती है और अपने अजब से जलवे दिखाती है ना। और अपनी एक राह से वो 100 आबशार बनाती है। आपने बेटा आबशार तो देखे ही होंगे है ना, कितने खूबसूरत लगते हैं जब वो पहाड़ों के बीच से निकलते हैं, कितना खूबसूरत मंजर होता है। जंगल पहाड़ छोड़े मैदा बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने, गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया है, पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है, सैराब कर दिया है हर लाला जार गंगा। ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। शायर ये समझाना चाह रहे हैं, जंगल मतलब गंगा नदी जो है वो पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आकर बस गई, और उसने अपने नक्शे दिखाए हैं। यानी कि बेटा, जब नदी जमीन पर
पहुंचती है तो कैसे वहां पर फूल खिल जाते हैं, आपने अक्सर देखा ही होगा बेटा। जहां पानी होता है वहां पर सब्जा ज्यादा दिखाई देता है, फूल खिलते हुए नजर आते हैं। तो यानी कि हर तरफ नक्शा जमा दिया है गंगा नदी ने अपना, और गंगा ऐसी बह रही है कि उसने हर एक चीज को फायदा पहुंचाया है, यानी कि खेतों को बहुत, जैसे नदी खेत खेत कैसे होते बेटा, जिनको पानी की जरूरत होती है, अगर पानी ना मिले तो खेत सूख जाएंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पर शायर बताना चाह रहे हैं कि जब गंगा नदी का पानी खेतों में पहुंचा तो उसने उन खेतों को बहुत फायदा पहुंचाया है, पौधों को जान दी है, यानी कि उससे पौधों में जान आ गई है और फूल भी खिलखिला रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सैराब, सैराब का मीनिंग है पानी से भर देना, और लालाजर का मीनिंग है चमन, बाग, यानी कि वो गंगा नदी का पानी खेतों में भर गया है जिसके जरिए चमन बाग जो है, बाग में हरियाली आ गई है, है ना। रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं, सूरज बिखेरता है किरणों के भार तुझ पर, और करती हैं हवाएं नक्शों निगार तुझ पर, सब है निसार तुझ पर, सब है निसार तुझ, निसार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। शायर ये समझाना चाह रहे हैं गंगा की खूबियों को बयान करते हुए कि गंगा की जो नदी है, जब रातों को चांद और तारों की अक्स जब गंगा नदी पर पड़ता है तो उसकी मिसाल नहीं मिलती, वो मतलब क्या है ना, उसका अक्स देखने के लायक होता है। और किनारों पर जो फूल खिले होते हैं वो पैरों को चूमते हैं। सूरज अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेरता है तो चारों तरफ उसकी किरणें पड़ती है, तो है ना, हवाएं नक्शों निगार तुझ पर, यानी हवा के चलने से पानी में लहरों का बनना बहुत खूबसूरत नजर आता है ना बेटा। शायद यही सब समझाना चाह रहे हैं। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये नज़म अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.